मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 213 कफ सिरप बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 22,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी भिवंडी के शांति नगर का रहने वाला है, जिसका नाम मोहसिन शफीक शेख 34 वर्षीय है। ये कफ सिरप बेचने के लिए आया था। मुंब्रा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि एक व्यक्ति मुंब्रा रेती बंदर पर कफ सिरप लेकर आने वाला है। एफडीआई और मुंब्रा पुलिस की टीम वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट के मार्गदर्शन में पीएसआई देवदास गुघे, उदय किरपन दभाडे हुलवान और एफडीआई की संगीता भुजबल ने शुक्रवार को रेती बंदर पर जाल बिछाकर घेराबंदी की। इसी दौरान एक व्यक्ति उन्हें बॉक्स के साथ दिखाई दिया। पूछताछ की गई और जब बॉक्स खोलकर देखा गया तो उसमें 213 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया। इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। मुंब्रा शहर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से नशा बढ़ रहा है। नशे के तौर पर इस्तेमाल करने वाले कफ सिरप की बिक्री भिवंडी से मुंब्रा करने के लिए आ रहे हैं। वहीं इस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर मुंब्रा पुलिस की सराहना भी हो रही है। मुंब्रा पुलिस नशा बेचने और करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, मगर फिर भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।